डियर रॉकर्ट्स, तो आज हम देखने जा रहे हैं एक साइंस फिक्शन मूवी। मूवी की शुरुआत एक जेल से होती है। यहाँ के सभी कैदियों के पास न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से सुपर पावर्स आ जाती है। उनमें से कुछ कैदियों के पास बिजली को संभालने की क्षमता है, किसी के पास टेलीकिनेसिस है, तो कोई अपनी आंखों से लेजर बीम निकाल सकता है। इस जेल का जो सबसे मशहूर कैदी होता है वो दूसरे लोगों के दिमाग को खतरनाक तरीके से कंट्रोल कर सकता है। तो मूवी की शुरुआत एक अंडरग्राउंड पार्किंग में होती है। यहाँ सुपर पावर विलन्स अपने दोस्त को मार रहे होते हैं। अब ये बात सामने आती है कि जिसको वो मार रहे हैं वो अपने टारगेट पेबैक को मारने में कामयाब नहीं हो पाया है। वो सिर्फ पेबैक की बेटी को ही मार पाया है। उसी वक्त वहाँ पर पेबैक भी आ जाता है और अपने दुश्मनों को गोली मारने लग जाता है, लेकिन उनमें से दो लोगों ने ब्लड प्रूफ जैकेट पहनी होती है जिनसे वो बाद में खूब लड़ता है और उनको मार भी देता है। फिर पेबैक अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए उस आदमी को भी अपने हाथों से मार देता है जिसको विलन्स मार रहे थे। इतने लोगों को मारने के बाद पुलिस पेबैक को लेके जाती है। अब इस घटना के पहले का समय दिखाते हैं। दुनिया भर में तबाही मची पड़ी है जो द पल्स नाम से मशहूर थी। पल्स तबाही इसीलिए हुई थी क्योंकि लोगों ने युद्ध में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से काफी लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी थी। इतना ही नहीं बल्कि दुनिया भर के फेमस शहरों में रिसोर्सेज की कमी की वजह से दंगे फसाद होने लगे थे और उनमें से कुछ लोगों में जेनेटिक बदलाव भी आ गए थे जिसके कारण उन्हें अलग अलग तरीके से सुपर पावर्स मिल जाती है। और फिर सुपर पावर लोगों ने रिसोर्सेज को पाने के लिए अपनी शक्तियों से दंगे करने शुरू कर दिए थे। इन दंगों को रोकने के लिए यूएस की सरकार ने एक ऐसा लॉ बनाया यानी कि सुपर लॉ, जिसमें एक सुपर पावर विलन्स को रखने के लिए एक सुपर जेल बनाई जाएगी। और इसी कारण पेबैक ने 50 लोगों को मार दिया था, इसीलिए उसे अपना सारा जीवन अब जेल में बिताना पड़ेगा। न्यूज चैनल में ये पता चलता है कि जेल की देखरेख डेवलिन नाम के एक आदमी के द्वारा की जाएगी। डेवलिन के बारे में काफी अफवाह उड़ी थी, जैसे कि जेल में वो कैदियों को बड़े ही गंदे तरीके से ट्रीट करता है, लेकिन फिर डेवलिन गुस्से में आकर इन सभी अफवाहों को नकार देता है और उसका कहना है कि उसके टाइम पर किसी भी कैदी ने वहाँ से भागने की हिम्मत नहीं की थी। फिर सवालों के दबाव से बचने के लिए डेवलिन कॉल को तुरंत ही काट देता है। फिर थोड़ी देर बाद पेबैक को बाकी कैदियों के साथ सुपर प्रिजन में लाया जाता है। ऐसा लगता है जैसे पेबैक सुपर प्रिजन में खुद जाना चाहता है ताकि वो सभी को मार सके। कैदियों के बीच एक लड़का होता है जिसका नाम डिएगो है, जिसके पास इमोशंस को शेयर करने और लोगों के दर्द को महसूस करने की शक्ति होती है। डिएगो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन उस पर लोगों को नुकसान पहुंचाने के गलत इल्जाम लगे थे, इसलिए उसको भी यहाँ पर रखा गया है। सुपर प्रिजन में एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है जिसको नलिस के नाम से जाना जाता है, जो दंगों लड़ाइयों को रोकने के लिए सुपर पावर्स को दबा सकती है। फिर गार्ड कैदियों के पैर पर इसी नलिस को लगा देते हैं और उनकी पहचान को गार्ड्स रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। डेवलिन नए कैदी को सुपर प्रिजन में झगड़ा न करने की चेतावनी भी देता है। उसके बाद सारे कैदी हॉल में आते हैं और उनके साथ गार्ड्स भी होते हैं जो उन पर 24 घंटे निगरानी रखते हैं। फिर पेबैक अपने पहले जेल के साथी से मिलता है जिसके भाई को उसी ने मारा था। वो दोनों अपने सुपर पावर्स के बिना ही लड़ाई करने लगते हैं और इस लड़ाई में पेबैक जिम को हरा देता है। लेकिन जब पेबैक जिम को जान से मारने लगता है, वैसे गार्ड्स नलिस को एक्टिवेट कर देते हैं जिससे उसको एक बिजली का तगड़ा झटका लगता है और एकदम से पेबैक बेहोश हो जाता है। फिर उसको एक फीमेल गार्ड मारती है। उसके बाद ऑफिसर्स पेबैक और जिम को इन्फर्मरी में ट्रीटमेंट के लिए भेज देते हैं। वैसे इस जेल के गार्ड्स की एक बात यह है कि वो पहले कैदियों को खुद लड़ने देते हैं ताकि उनका थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो जाए, और फिर जैसे वो ज्यादा लड़ने लगते हैं तो ये उनको पकड़ के दोबारा ट्रीटमेंट के लिए भेज देते हैं। उसके बाद डिएगो किसी दूसरी कैदी से मिलता है जिसका नाम गॉर्डन है, जिसके पास इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने की क्षमता होती है। गॉर्डन बताता है कि वो इस जेल का पहला कैदी है जो नलिस के आने से पहले कभी नहीं हारा था। सुपर प्रिजन में घूमते वक्त गॉर्डन डिएगो को कुछ रूल्स बताता है और कहता है कि अगर तुमने ये रूल्स फॉलो नहीं करे तो तुमको बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। नए कैदी होने की वजह से डिएगो गॉर्डन से काफी उत्सुक होकर लोभ के बारे में पूछता है। लोभ के पास बहुत ही विनाशकारी शक्तियां हैं और नलिस के बिना लोभ को रोकना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि उसके पास किसी भी चीज को काबू करने की क्षमता होती है। फिर चाहे वो आदमी का दिमाग ही क्यों ना हो, वो अपने खिलाफ लोगों को भी सुसाइड करने के लिए मजबूर करता है। अब डिएगो की उत्सुकता को देखकर गॉर्डन उससे कहता है कि लोभ से दूर रहना क्योंकि लोभ एक बहुत ही खतरनाक कैदी है। इसी दौरान लोभ को एक अंधेरे वाले कमरे में ले जाता है। यहाँ कोर्ट चौथी बार उसकी पैरोल पर चर्चा करती है। वो ट्रायल्स का मजाक उड़ाता है क्योंकि उसे पता है कि उसके जैसे खतरनाक कैदी को कभी प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। हालांकि ये बात सामने आती है कि ट्रायल सिर्फ डेवलिन का प्लान था, असल में वो लोभ से प्राइवेट में बात करना चाहता है। अब जैसे कि डेवलिन जल्द ही रिटायर होने वाला है और इसलिए डेवलिन सारे पैसों को उसके अकाउंट में ट्रांसफर करने को कहता है। वो लोभ से ये भी कहता है कि अगर तुम मेरा कहना नहीं मानोगे तो मैं तुमको मार दूंगा। अब दिखाते हैं तो रूम में फीमेल डॉक्टर जख्मी कैदियों को देख रही होती है।
उसमें पेबैक भी होता है। पेबैक के दूसरी तरफ एक और कैदी होता है जिसका सर नहीं है, लेकिन वो जिंदा होता है क्योंकि उसके पास रीजनरेट होने की शक्ति है। तभी डिएगो अचानक से कमरे में कूड़ा उठाने के लिए आता है, हालांकि वो इतना खतरनाक नहीं लगता जितने दूसरे कैदी लगते हैं। तो डॉक्टर उससे बात करने में बहुत कंफर्टेबल फील करती है और उसको अपना डेली रूटीन के बारे में बताती है। उसके बाद डॉक्टर लोग को देखने के लिए दूसरे रूम में जाती है। अचानक से कमरे में पेबैक भी आ जाता है और फीमेल डॉक्टर का गला दबाकर उसको वहीं मार देता है। उसके बाद पेबैक लोब को मारने की कोशिश करता है। अब जैसे ही पेबैक लोब को मारने के लिए जाता है, वैसे ही डिएगो आकर उसको रोक देता है। अब इस घटना की खबर चारों तरफ फैल जाती है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि सारे कैदी डिएगो को इज्जत देने लगते हैं। अब डिएगो ने जो किया होता है उसकी वजह से लोब भी उसकी इज्जत करने लगता है। इसी दौरान डेवलन की असिस्टेंट फेलिसिया आती है। उसे पता है कि डेवलन ने लोब से पैसा ट्रांसफर करने को कहा है। अब इस बात को दबाने के लिए डेवलन कहता है कि मेरा जल्दी रिटायरमेंट होने वाला है और तब तक मैं तुम्हारा प्रमोशन एक बहुत ही अच्छी पोस्ट पर कर दूंगा, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि अगर तुमने ये बात किसी को बता दी तो मैं तुमको नौकरी से निकाल दूंगा। अब कुछ दिनों तक सुपर पिज़्ज़ा में सब कुछ वैसा चलता है जैसे डेली चलता था और 10 सालों से गॉर्डन भी प्रॉन के लिए काफी बार अपेट कर चुका है, लेकिन हमेशा उसकी विनती कोर्ट द्वारा रद्द कर दी जाती है। ये देखा जाता है कि यूएस सरकार का सुपर लॉ हमेशा कैदियों के साथ गलत व्यवहार करता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कैदियों को प्रोल मिलना बहुत ही मुश्किल है। उसके बाद गॉर्डन की दोबारा प्रोल की बारी आती है। गॉर्डन को लगता है कि इस बार तो वो पक्का कामयाब हो जाएगा। वो बहुत ही शांत तरीके से सवालों के जवाब देता है, हालांकि कोर्ट गॉर्डन को सवालों में काफी उलझाती रहती है और गॉर्डन को इस पर बहुत गुस्सा आता है। इसी वजह से उसकी एप्लीकेशन फिर से रद्द कर दी जाती है और इस फैसले के बाद तो गॉर्डन बहुत ही निराश हो जाता है। अब इसी दौरान लोब अपना भागने का प्लान बनाता है। वहाँ दूसरी तरफ गॉर्डन और डिएगो लंच कर रहे होते हैं। लोब का असिस्टेंट गॉर्डन को एक लोहे की चीज देता है और जाहिर सी बात है कि लोब गॉर्डन से लड़ाई करना चाहता है, इसीलिए वो गॉर्डन को मौका देता है कि तुम मुझसे लड़ सकते हो। फिर गॉर्डन भी ये मौका देकर अपनी यूनिफॉर्म उतारता है और उस लोहे की चीज से अपना एंकल कफ अनलॉक कर देता है। उसके बाद वो टेबल पर चढ़ता है और वायर से खुद को चार्ज करने लगता है। फिर गॉर्डन जेल की सारी बिजली खराब कर देता है, जिसकी वजह से सारे नलीस काम करना बंद कर देती है और एकदम सारे कैदी एक दूसरे से बहुत खतरनाक तरीके से लड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ डेवलिन फेलिसिया को जनरेटर ऑन करके बिजली रिस्टोर करने के लिए कहता है। अब जनरेटर शुरू करने के बाद सारे कैदियों को एकदम से करंट का झटका लगता है और सबको उनके कमरे में भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ गॉर्डन इन्फर्मरी रूम में आता है और खुली दुनिया को देखता है और थोड़ा रिलैक्स फील करता है। अचानक से एक फीमेल गार्ड पीछे से उस पर हमला कर देती है। उसके बाद डेवलिन उस फीमेल गार्ड को गॉर्डन को मारने का हुक्म देता है। अब ये सुनने के बाद गार्ड थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन बाद में गॉर्डन के मुंह पर मुक्के मार मार के उसको खत्म कर देती है। फिर गॉर्डन के मरने की खबर चारों तरफ फैल जाती है। उसके बाद ये बात सामने आती है कि सुपर प्रिजन में 12 कैदी मर चुके हैं, हालांकि डेवलिन इस बारे में कोई बात नहीं करता। फिर डेवलिन डिएगो को टॉर्चर चैम्बर दिखाता है और कहता है कि यहाँ टाइम बहुत धीरे चलता है। उसके साथ ही डेवलिन को लगता है कि जेल में जो दंगा हुआ था उसके पीछे लोब का ही हाथ है। डेवलिन को इस बात पर भी शक होता है कि लोब और डिएगो के बीच में कोई तो राज छुपा हुआ है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक हैं और इस वजह से डेवलिन डिएगो को कहता है कि तुम सब कुछ मुझको बता दो वरना तुमको टॉर्चर चैम्बर में भेज दूंगा। लेकिन डेवलिन को डिएगो से कोई सुराग नहीं मिलता। उसके बाद डेवलिन सीधे लोब के कमरे में जाता है और उसको धमकाता है। इसके बाद डेवलिन लोब को पैसा ट्रांसफर करने के लिए और उसका साथ देने को कहता है और वो साथ ही साथ ये भी कहता है कि मुझे पता है तुम यहाँ से कभी नहीं भाग सकते। आखिरकार लोग मान ही जाता है और पैसे ट्रांसफर करने के लिए थोड़ा और टाइम मांगता है। अगले दिन गार्ड्स इलेक्ट्रिशियन के साथ बिजली ठीक करने के लिए बेसमेंट में जाते हैं, जो गॉर्डन ने खराब कर दी थी। अब इसी दौरान कैदियों को भूरे रंग का एक एनवेलप मिलता है जिसमें उनके परिवार वाले उनकी पसंदीदा चीजें भेजते हैं। गॉर्डन को उसकी टैबलेट मिलती है जिस पर वो भागने का प्लान बनाता है, जिस प्लान से वो सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करने के लिए एक वायरस प्रोग्राम बनाता है। अब आगे हम देखते हैं कि पेबैक के चेहरे पर क्रॉस टैटू बना हुआ है और वो बार बार जिम से लड़ाई करने की तलाश में घूम रहा है, लेकिन जिम उससे लड़ाई नहीं करना चाहता। उसके बाद डिएगो लोब के पास जाता है ताकि वो उसके भागने में मदद कर सके। और अब डेवलिन के रिटायरमेंट का टाइम आ जाता है और ये बात सामने आती है कि गार्ड्स का कैप्टन ही डेवलिन की जगह लेगा। इससे फेलिसिया अपने बॉस पर काफी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि डेवलिन ने फेलिसिया को कहा था कि मैं तुमको प्रमोट करूंगा, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं होता है। थोड़ी देर बाद डेवलिन लोब के कमरे में जाकर पैसे ट्रांसफर करने के लिए एक टैबलेट देता है। डेवलिन ये देखकर बहुत खुश होता है कि आखिरकार लोब पैसे ट्रांसफर करने में उसका साथ देने के लिए तैयार हो गया है। डेवलिन इस बात से अनजान होता है कि लोब उस टैबलेट में वायरस प्रोग्राम अपलोड कर रहा है। अब इस वायरस की वजह से नलिस का इफेक्ट बिल्कुल खत्म होने लगता है और सभी कैदियों को उनकी सुपर पावर्स वापस मिल जाती है। फिर वो सभी दोबारा लड़ाई करना शुरू कर देते हैं।
उसी दौरान डिएगो जो इन्फर्मरी रूम में है वो लड़ाई करने वालों का दर्द महसूस कर सकता है, लेकिन अपनी अच्छी किस्मत और फीमेल डॉक्टर की मदद से डिएगो को उस दर्द से छुटकारा मिल जाता है। इसके बाद डेवलिन को फेलिसिया की कॉल आती है जो उसे बाहर से उन दंगों के बारे में बताती है कि यहाँ पर सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। ये जाने के बाद डेवलिन इस सब को कंट्रोल करने के लिए अपने कमरे में वापस जाना चाहता है, लेकिन लोब ने उसका रूम भी लॉक्ड कर दिया है और अब ऐसा लगता है कि डेवलिन ही लोब के प्लान का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा था। लड़ाई बहुत ही खतरनाक होती जाती है। कैप्टन अपने गार्ड को फेलिसिया से इसको रोकने के बारे में पूछने के लिए कहता है। फेलिसिया उनको बताती है कि सब कुछ बेसमेंट के जनरेटर से अटैच है और उसको रिसेट करके सभी चीजें वापस करनी होगी। फेलिसिया कैप्टन को कैमराज के जरिए सब कुछ गाइड करती है। अब जैसे ही कैप्टन बेसमेंट में पहुंचता है उसके रेडियो का सिग्नल चला जाता है और फेलिसिया उसे आगे गाइड नहीं कर पाती। जैसे कैप्टन उसे रीसेट करने का तरीका ढूंढता है वहाँ पर जिम आ जाता है जिसका चेहरा बिल्कुल बदल चुका है। वो कैप्टन के पास आता है और उसको मारने लग जाता है और बताता है कि उनमें से एक ऑफिसर लोग की भागने में मदद कर रहा है। पहले तो कैप्टन जिम के आगे बहुत कमजोर पड़ता है क्योंकि वो एक आम इंसान है, लेकिन उसके बाद कैप्टन एक पाइप तोड़ देता है जिसकी वजह से गर्म हवा निकलनी शुरू हो जाती है और इसी वजह से जिम पिघल जाता है और वहीं मरता है। उसके बाद डेवलिन लोग के पास बैठकर काम पूरा होने का इंतजार करता है। अब जैसे ही लोग डेवलिन के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देता है वो कहता है कि उसके पास एक पावरफुल एबिलिटी है जिसके बारे में किसी को नहीं पता, और जाहिर तौर पर लोग किसी के साथ भी अपने चेहरे की अदला बदली कर सकता है और फिर वो जल्दी अपनी सुपर पावर यूज करके अपने शरीर को डेवलिन के शरीर में कन्वर्ट कर देता है और डेवलिन के शरीर को अपने शरीर में, और यानी कि लोग अब डेवलिन के शरीर में है और डेवलिन लोग के शरीर में। फिर हम देखते हैं कि कैप्टन किसी तरह जनरेटर रूम को रिसेट कर देता है जिससे नलीज फिर से रिस्टोर हो जाती है। फिर लोब जल्दी से कैदियों को बिजली का झटका देता है ताकि वो लोग रुक जाए। अब जैसे ही दरवाजा खुलता है लोब गार्ड को ऑर्डर देता है कि डेवलिन को टॉर्चर करके चैम्बर में लेके जाएं, और गार्ड्स भी उसकी बात मान जाते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि डेवलिन के शरीर में लोब की बॉडी है। उसके बाद लोब कमरे से बाहर जाता है और फेलिसिया से मिलता है। फिर वो दोनों कॉरिडोर में चल रहे होते हैं और आखिरकार लो फेलिसिया को सुपरविजन का रक्षक बना देता है। इसके बाद गार्ड सभी कैदियों को बाहर से उनके कमरे में लेके जाते हैं। अब जैसे ही फेलिसिया के हाथों में सुपरविजन की देखभाल की पावर आती है वो काफी बदलाव कर देती है वहाँ पर। उनमें से एक बदलाव कैदियों के क्लासिफिकेशन में किया जाता है और इस बदलाव की वजह से डिएगो को किसी दूसरे जेल में भेज दिया जाता है और साथ ही उसकी सजा भी कम कर दी जाती है क्योंकि उसके सुपर पावर से किसी को कोई नुकसान नहीं होता। फिर जाने से पहले डिएगो इन्फर्मरी रूम में फीमेल डॉक्टर को अलविदा कहने आता है। वो डॉक्टर को उसका ध्यान रखने के लिए धन्यवाद करता है। उसके बाद डिएगो जेल से बाहर निकलता है और वहाँ से लोब के असिस्टेंट को भी छोड़ दिया जाता है। अब ये बात सामने आती है कि लोब ने उन दोनों को लड़ाई से दूर रहने के लिए कहा था क्योंकि यही एक तरीका है जिससे उनको पैरोल का मौका मिल सकता है। फिर मूवी के आखिर में लोब अपने असिस्टेंट और बहुत सारे पैसे के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करता है। और दोस्तों यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है।